देखिए शर्म की बात यह भी है कि त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद एक बांग्लादेश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो खुद ही ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, पहली बात तो शर्म की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। त्रिपुरा के मुसलमानों पर हमला बंद करना बंद करो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। त्रिपुरा में हम हमारी मुसलमानों की मजहबी इदारों को, मजहबी मजहब गाहों को कहे अटैक किया गया, मुसलमानों के घर पर अटैक किया गया, उनकी मस्जिदों को कहे जला दिया गया, उनके घरों और उनकी दुकानों को लूट लिया गया। ये हमारी अपील है कि इमीडिएट बेसिस पे इस स्पॉन्सर्ड वायलेंस को रोकें और मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें, मुसलमानों की इबादत गाहों को प्रोटेक्ट करें। वुमेन इंडिया मूवमेंट और नेशनल वुमेन फ्रंट ने एक जॉइंट प्रोटेस्ट निकाला है इन द फेवर ऑफ त्रिपुरा वायलेंस। ये जो त्रिपुरा में वायलेंस चल रहा है और जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो बंदी होने का नाम नहीं ले रहा है, उसके खिलाफ हम जो है आज यहाँ पे एहतजाज करने के लिए मुस्लिम चौक पे खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी पार्टी में फंक्शन में खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के हंसी मजाक और ठिटल्ली में मसरूफ है। वो इस वक्त वेटिकन सिटी पॉप से मिलने गए हुए हैं और उसके बाद वो क्लाइमेटिक चेंज की समिट में हिस्सा ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, पहले मुल्क के हालात संभाल लो मोदी जी, फिर क्लाइमेट चेंज की बातें करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, बारिश बंद करना और धूप बंद कर देना। देखिए शर्म की बात यह भी है कि त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खुद एक बांग्लादेश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो खुद ही ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता है, पहली बात तो शर्म की यही है कि वो चीफ मिनिस्टर है। दूसरी शर्म की बात यह है कि वहाँ मुसलमानों पे जिस तरह वायलेंस हो रहा है, हमारी मस्जिदें जलाई गई, हमारे कई कुरान जला दिए गए, हमारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, हमारी औरतों की अस्मत रेजी हो रही है, हमें तकलीफ है और हमें बहुत तकलीफ है, वो वक्तन फवक्तन निकलती रहेगी। देखिए मैं आपको एक बोलूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। छोटा सा पैगाम है गुलबर्गा के रहने वालों के नाम। मैं बात शुरू करूंगी अपनी कौम से। आज जिस तरह का वायलेंस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और जो मुसलमान मर्द और औरत अपने घरों में बैठे हैं और वो सड़कों पे आवाज़ नहीं उठा रहे, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट बारी उन्हीं लोगों की है। शर्म आनी चाहिए, इस्लाम 24 घंटे टोपी पहनने का नाम नहीं है, इस्लाम माथे पे काला निशान बनाने का नाम नहीं है, इस्लाम जो है वो इंसानियत का मजहब है, वो सिखाता है कि हम इंसान एक जिस्म की तरह हैं, एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। अगर ये जज्बा मेरे मुसलमानों में नहीं तो अपना नाम बदलिए, मुसलमानों की लिस्ट से अपना नाम कटवाइए। मेरी वो औरतें जो बाजारों में बुरखे पहनकर दुकानों पर शॉपिंग करती हैं लेकिन वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेती, जब इस मुल्क में इस्मत रेजी होती है, जब इस मुल्क में बच्चियों का रैप होता है, और मेरे वो मुसलमान भाई जो लिंचिंग मर्डर के नाम पर मस्जिदें जलाए नाम जाने के नाम पर कुरान जलाए जाने के नाम पर घरों से नहीं निकलते, मैं कहती हूँ नाकारा निकम्मे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दूसरा पैगाम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा तो गंदगी जो है इस मुल्क में वो यही है कि पॉलिटिशियन होने का एक धब्बा लग जाए। अब दूसरा पैगाम, उन क्रिश्चियंस माइनॉरिटी के नाम जिनकी नंस का रैप किया जाता है प्रोटेस्ट में नहीं निकलते, फिर उसके बाद दलित भाई जिनको अछूत कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर उनकी बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं, रैप किए जाते हैं शमशान घाटों में और वो फिर भी नहीं निकलते।
निकलते। याद रखिएगा, जो लोग सो रहे हैं अब नेक्स्ट उन्हीं को कफन पहनने की तैयारी करनी है। यहाँ पर जो है लेडीज का जो मूवमेंट चल रहा है अंडर द बैनर विमेन इंडिया मूवमेंट और NWF, हम यहाँ पे मुस्लिम चौक पे आज अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम स्टैंड करते हैं त्रिपुरा के जो लोग जो सफ़र हो रहे हैं, जो वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और हम शदीद मजम्मत करते हैं त्रिपुरा की पुलिस और वहाँ की जो दहशतगर्द एक विंग है VHP, जो ये सारा यानी कि स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड जो फसाद कर रही है, हम उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 20 अक्टूबर से ये जो फसाद वहाँ पे जारी है, वहाँ पे मुसलमान महलों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदों को और हमारी इबादत गाहों को, हमारे मदरसों को यानी कि जलाया जा रहा है, औरतों की असमत रेजी की जा रही है। एक यानी कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी तक खामोश है। वो चीफ मिनिस्टर जो बड़ा इंटेलिजेंट यानी कि स्टेटमेंट दिया था चंद अरसा पहले कि इंटरनेट महाभारत के दौर से है, सो इतना इंटेलिजेंट चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट नहीं कर सका आज तक इन सॉलिडारिटी विद मुस्लिम्स जो वहाँ पे सफ़र हो रहे हैं। सो हम ऐसे जो चीफ मिनिस्टर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं, ये हमारी अपील है कि इमीडिएट बेसिस पे इस स्पॉन्सर्ड वायलेंस को रोकें। आज हम यहाँ पर वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट, सोई हुई गवर्नमेंट है, उसको जगाना है। और जो क्या है, एक त्रिपुरा में हो रहे एंटी मुस्लिम वायलेंस को देखते हुए भी अपने आँखों पर जो एक अंधेपन की पट्टी बांधी हुई है, उसको खोलना हमारा मकसद है। जो गोदी मीडिया, जो हर वक्त जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर क्या है अपने चैनलों पर बात करती है, आज उनके चैनलों पे क्या है सन्नाटा छाया हुआ है। उनके पास क्या है, वो क्या है त्रिपुरा के बारे में कुछ वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो क्या है इंसाफ पसंद जो मीडिया चैनल वाले हैं उनके जरिए से हम तक ये बात पहुंची है। ऐसे वीडियोस आए हैं कि हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में हमारी मुसलमानों की मजहबी इदारों को, मजहबी मजहब गाहों को क्या है अटैक किया गया, मुसलमानों के घर पर अटैक किया गया, उनकी मस्जिदों को क्या है जला दिया गया, उनके घरों और उनकी दुकानों को लूट लिया गया, यहाँ तक के उनकी औरतों की इज्तिमाई अजबत दरी भी की गई। हम उसकी क्या है मजम्मत करते हैं। हम गवर्नमेंट से, हम क्या है CM PM जो भी है होम मिनिस्टर, हम उन तमाम से ये अपील करते हैं कि वो क्या है इनके खिलाफ क्या है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें ऐसी सजा दे कि हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात हमें दोबारा सुनने को ही ना मिले। उनके क्या जब क्या है दुनिया भर से जैसे सऊदी अरब है, दुबई, ओमान, खतर, कुवैत, इन तमाम मुल्कों से क्या है त्रिपुरा के लिए उन्होंने आवाज़ खड़ी किए हैं, लेकिन हमारे PM और हमारे होम मिनिस्टर की अभी तक कोई क्या है उनका ट्वीट नहीं आया और ना ही उन्हें कोई कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कुछ कहा है। तो हम और जो क्या है वहाँ के जो कानूनी रहनुमा हैं उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अफसोस इस बात का है हमें कि जो क्या है कानून के मुहाफिज हैं, अवाम मुहाफिज हैं, वो भी क्या है इनमें RSS और BJP की क्या है वो भी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि वो भी क्या है इनमें मुलव्वस हैं और ये हमारे मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी में क्या है उनके वीडियोज़ हमारे सामने आए हैं। बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है। आज हम यहाँ जमा होने का हमारा मकसद यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग इस बात का सबूत है, एक इंसाफ पसंद लोग हैं, ये यहाँ पर आए, हम इनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और हम ये आवाज़ हमें कहे उठाना एक हमें लाजिम है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो एक लौ जगाना लाजिम है, जब क्या है हुक्मरानी तो हमें क्या है आवाज़ उठाना लाजिम है, उस वक्त क्या है हमें मुल्क बचाना लाजिम है, सड़कों पर आना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है। अस्सलामुअलैकुम।